हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एपके गुरु चैनल। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी को क्या खिलाएं, ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी को कैसे रखें। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, क्या उसका पहचान है, कैसे उसको क्या करना है, क्या उसको दवा देना है, क्या देना है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ ब्लैक बंगाल नस्ल के बारे में। मैं इस पर आपको फोकस डालूंगा कि क्या खिलाना है और क्या कैसे रखना है उसको। इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी आप जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मैं चालू करता हूँ ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी को क्या खिलाएं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी जो है ये चरने पे ज़्यादा इसका फोकस रहता है। ये चरने वाली जानवर है, बकरी है। इसको आप दोनों तरह से आप पाल सकते हैं, मगर ये लोग का ज़्यादा जो एक होता है ना, ज़्यादा जैसे हम लोग मन करता है अच्छा खाने का, इसलिए ये लोग ज़्यादा, ये लोग का फोकस रहता है कि ये लोग चराई पे ध्यान देती है, हरा घास पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देता है, हरा पत्ती पे ज़्यादा ये लोग ध्यान देता है। आप इसको ऐसे करके आप पाल सकते हैं। अगर आपको दाना देना है तो थोड़ा सा आपको दाना 25 ग्राम 50 ग्राम आप दाना दे सकते हैं। आप इसको लगभग उसमें चना मिक्स हो जाएगा, जो भी चना का बरौदा आता है, या फिर आपको दाल आता है जो उसके बाद हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये लोग ये सब मिक्स करके आप उसको खिला सकते हैं। मगर आपको इस पे अगर ब्लैक बंगाल आप नस्ल पालते हैं, अगर आप दाना से अगर पालना चाहते हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आप उसको चराई पर रख के कर सकते हैं, क्योंकि ये जानवर जो है उसके लिए सबसे बेटर है ब्लैक बंगाल। प्लस उसकी जो क्रॉस भी आती है वो लोग भी इस पर बहुत अच्छा ये देता है। तो ये सब पे आप ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है ब्लैक बंगाल के लिए। इस बकरी में बीमारी भी बहुत ही कम आता है, तो इसमें दवा का भी आपको बहुत बचत है। और ये बच्चा जो है 3 से 4 बच्चा देती है, 2 बच्चा देती है। पहली बार 1 बच्चा देती है, मगर दूसरी बार में तो ये 2 देना ही देना है, 3 भी देती है। अगर आप जो बकरा जो खरीद ये बकरी खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छा नस्ल, यानी कि जो अच्छा जो नहीं होता है जैसे अच्छा बच्चा देने वाली 3 बच्चा देने वाली हो, तो ऐसा करके आप कोशिश कीजिए खरीदने के लिए। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आता है दूध पिलाने के लिए, अगर 3 बच्चा हो गया 4 बच्चा हो गया तो दूध सही से नहीं मिल पाता है, तो आप इसको दूध का अलग से इंतजाम कीजिए, अलग से उसको सेवा कीजिए। मगर हाँ, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो हर चीज़ में करना, मगर इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बच्चा पे। अगर वो बच्चा को आप बचा लिए तो आपके लिए सूर्योही फलाना जितने भी है उससे ज़्यादा आपको फायदा है, क्योंकि आप अगर छोटा किसान है तो आप कम पैसे में बकरी खरीद के लेकर आएंगे। आपको ये बकरी 3500 4000 साढ़े 4000 में आपको बकरी मिल जाएगी ये, और ये 9 महीना से लेकर 10 महीने के अंदर ये जो होता है बच्चा भी इसको ठहर जाता है। उसके बाद से ये बच्चा आपको 15 महीना पर ये बच्चा भी पैदा कर देती है। तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रहा बात रख रखाव के लिए, तो रख रखाव में भी वो लोग को जैसा दिक्कत नहीं है इसमें, ये हर क्लाइमेट से ये लोग जो कहते हैं हर क्लाइमेट ये लोग के लिए अनुकूल है, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, तो इसमें ये लोग झेल सकती हैं। थोड़ा इस पर बस आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है या ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, थोड़ा इस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा सर सफाई जो आप जैसे सर सफाई भी इन लोगों के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये बकरा जो होता है ये नीचे के कोई चीज़ नहीं खाता है, यानी कि आप पत्ता उत्ता ला के नीचे फेंक दिए तो नहीं, कभी भी कोशिश कीजिए इसको टांग के देने के लिए, घास हो गया जो भी हो गया टांग कर दें, टांग देंगे कहीं तो अच्छा से खाएगा, पूरा खाएगा, आपका वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, ये बहुत फायदा वाली बकरी है बंगाल अखाड़ करके। बिहार उड़ीसा बंगाल के लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ये गरीब के लिए सबसे बेटर बकरी है ये बकरा, सबसे बेटर। इसका बकरा भी आपको 1 साल के बाद 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार तक बिक्री हो जाता है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, मगर घास आपको लगाना है इसके लिए खिलाने के लिए। ओके दोस्तों।